राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आपका हमारे चैनल पर, नटखट काना के चैनल पर स्वागत है। हम आपको बताएंगे निर्जला एकादशी के बारे में, साल में कब और कैसे आती है और कैसे मनाई जाती है, हम आपको सभी बताएंगे। हमारे चैनल पर बने रहिए, आप हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। राधे राधे, हम आपको बताने जा रहे हैं निर्जला एकादशी के बारे में। निर्जला एकादशी 2024 निर्जला एकादशी पर इस बार बेहद खास संयोग बन रहा है। श्रद्धांजलु इस बार समाप्ति नक्षत्र में निर्जला एकादशी का व्रत करेंगे। यह व्रत काफ़ी फलदायी होगा। एकादशियों में श्रेष्ठता निर्जला एकादशी व्रत 18 जून को रखा जाएगा। 7 साल बाद इस बार पंचयोग और सवृत्ति नक्षत्र में लोग निर्जला व्रत रखेंगे, जो काफ़ी फलदायक होगा। इस दिन गंगा स्नान और दान का विशेष महत्व है। व्रती भगवान श्री हरि विष्णु को पूजन करेंगे और 1000 घाट पर महिलाएं कलश यात्रा निकालेंगी और बाबा विश्वनाथ मंदिर जल विवेक करेंगी, मतलब जल का अभिषेक करेंगी। और लोक चार के अनुसार गांव में पूजन किया जाएगा। अभी लोगों द्वारा गांव में घर घर उससे महिलाएं निकल कर गाँव में मंदिर में जहाँ भी अपने पूजा होती है वहाँ से हमें पूजन किया जाएगा। हिंदू पंचांगों में अलग अलग नामों के से कुल 24 एकादशी पर लोग व्रत और भगवान विष्णु जी का पूजन अर्चन करते हैं। इन 24 एकादशियों के श्रेष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की निर्जला एकादशी सबसे श्रेष्ठ होती है। इस भीमेशनी पांडव एकादशी भी कहते हैं। ऐसी मान्यता है कि इस एकादशी के व्रत रखने से साल भर की खुशियां मिलती है और एकादशी का फल भी मिलता है। संयोग निधि देव से विश्वनाथ मंदिर तक शुभागतम संस्था की ओर से कलश यात्रा निकालकर बाबा का अभिषेक किया जाएगा और कलश शोभा यात्रा में डमरू के निनाद के साथ भगवान शिव पार्वती के स्वरूप में नंदी की झांकी भी निकलेगी। और इसके अनुसार ज्योतिष विमल जैन के देव्या कृष्ण शास्त्री ने बताया कि इस बार स्वस्ति नक्षत्र और संयोग रवि शव तवज योग बन रहा है। ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि 17 जून सोमवार को 5:11 पर लगेगी। 18 जून मंगलवार को सुबह 6:26 किया जाएगा। ऐसे में उपयोग तिथि के आधार पर निर्जला एकादशी व्रत 18 जून को रखा जाएगा। वही श्रास्ती नक्षत्र सोमवार को दोपहर 1:55 से अगले दिन के शाम के 3:57 तक रहेगा। इस दौरान भगवान विष्णु का ओम नमो भगवते वासुदेव का जाप करना चाहिए। गोवस्त्र, छत्तर, फल आदि का दान करना चाहिए। व्रती के अनुसार घड़े का दान करना चाहिए, काफ़ी फलदायक होता है। भक्ति भाव से निर्जला एकादशी का व्रत से मोक्ष की प्राप्ति मिलती है, इसलिए हमें निर्जला एकादशी का व्रत करना चाहिए। जो भी हमें अपनी श्रद्धा हो उसके अनुसार आप दान कर सकते हैं, जैसे पंखी हो गई, खरबूजा हो गया, घड़ा छोटा सा मटका हो गया, फल हो गया, और भी जो अपनी तरफ से जो भी श्रद्धा हो हम दे सकते हैं। इसलिए निर्जला एकादशी का व्रत मनाया जाता है। जो भी दान वगैरह होता है उसमें दिया जाता है। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, हरि बोल हरि बोल।